भिंड जिले में गोहद थाना क्षेत्र में 14 अगस्त को बर्तन व्यापारी के घर लूट व बेटी के हत्याकांड के अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड को पुलिस ने दबोच लिया। वारदात के बाद आरोपी की पहचान छुपाकर नए ठिकाना व्यापारा में बनाया था। 25,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी के पास से लूट की रकम सोने चांदी के जेवर भी बरामद किए गए। भिंड SP शैलेंद्र सिंह चौहान के मुताबिक पिछले माह 14 अगस्त की शाम गोहद के मुख्य बाजार में बर्तन व्यापारी राम किशोर लोहिया के घर लूट की वारदात हुई थी। इस दौरान बदमाश पुलिस की ड्रेस पहनकर घर में घुसे थे। बदमाशों द्वारा लूट की वारदात के दौरान व्यापार की बेटी रिंकी की हत्या गला घोट कर की गई थी। इस हत्याकांड में पुलिस ने 6 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें 5 आरोपियों को पुलिस ने पहले ही दबोच लिया था। 6ठा आरोपी की लूटी बड़ी रकम लेकर फरार था। इस वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी योगेश वैसला निवासी बरेटा थाना महराजपुर ग्वालियर का रहने वाला था। आरोपी आतगन बदमाश है, जो कि इस घटना का मास्टर माइंड है। बदमाश ने लूट की वारदात को अंजाम देकर करीब 12 लाख नगद व सोना चांदी के साथ फरार हो गया था और किसी के संपर्क में नहीं था। आरोपी की पत्नी बरेटा में अपने घर के निवास कर रही थी। लूट व हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद बिना किसी के संपर्क में आए पहचान बदल कर आरोपी योगेश व्यापारा में रह रहा था। इधर भिंड पुलिस वारदात को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड योगेश वैसला की तलाश में जुटी हुई थी। मुख्य आरोपी की पत्नी अचानक अपने घर के मायके टिक मगर रहने लगती है। मुख्य आरोपी की पत्नी का अचानक गायब होना पुलिस संदिग्ध नजर से देखती है। इधर पत्नी से मुलाकात करने के लिए आरोपी टिमगढ़ आता है। यह जानकारी लगते ही पुलिस ने आरोपी व्यापारा के दबोच लिया। उससे लूट की रकम समेत सोना चांदी के जेवर समेत 35 लाख का माल बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। लोगों ने घर में घुस के लूट की घटना कारित की थी, जिसमें एक जो फरियादिया थी उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनाक्रम का खुलासा किया था और जो उसमें लोग इन्वॉल्व थे उनको एक एक करके गिरफ्तार किया, लेकिन जो उसका मेन मास्टरमाइंड था वो अभी तक फरार था। उसकी पुलिस को कहीं कोई जानकारी नहीं थी, फिर भी हम लोग कंटिन्यूसली इसमें लगे रहे और लगभग 2-2.5 महीने की मेहनत के बाद फाइनली हमने उसका पता लगाया और उसको ब्यावरा से हम लोगों ने पकड़ लिया और उसे गिरफ्तारी करने के बाद PR पे लिया और उससे पूछताछ की गई, तो उससे करीब 35 लाख का मशरूका हमने बरामद किया है। और इसके अलावा जो उसने सोना जो लूट में लूटा था, जो उसने बैंक में गिरवी रखा था, उसके बैंक में भी उसके माध्यम से लिखा पढ़ी करके उसको भी जब्ती करने की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पे करीब 25,000 का इनाम था और ये आरोपी बहुत ही खतरनाक है, जो विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर घटनाएं कर चुका है और हाल में भी एक लूट के मामले में ये मथुरा से फरार चल रहा था।